In this lesson, we will learn about intentions. Intentions are some parts of speech in English language. Definition of conjunction. A conjunction is a word which is used merely to join together sentences and sometimes words. Conjunctions ऐसे words होते हैं जो कि अल्फाजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं या अल्फाजों के ग्रुप को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर मुख्तलिफ जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सबसे आसान तरीन कंजंक्शन एंड और बट है। फॉर एग्जाम्पल मी एंड माई फ्रेंड गो टू बाजार टू परचेज सम बुक्स। इसमें जो वर्ड एंड है वो कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस स्लाइड में हम 10 एग्जाम्पल पढ़ेंगे कंजंक्शन की सेंटेंस फॉर्म में। कलरफुल वर्ड्स जैसे जस्ट एज दो एवरीवेयर व्हाइल हाउएवर बिकॉज इवन इफ सो दैट इवन दो वेयर एज ऐसे अल्फाज जो कि डिफरेंट कलर्स में लिखे गए हैं वो सारे कंजंक्शंस की मिसालें हैं। नंबर वन जस्ट एज आई वॉज वॉचिंग द फुटबॉल मैच ऑन टीवी इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। जैसे ही मैं फुटबॉल का मैच टीवी पर देखने लगा बिजली चली गई। तो जस्ट एज एक ऐसा वर्ड है जिसने इन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ा है और उसके रब्त को मुकम्मल किया, इसलिए जस्ट एज कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। दो इट इज़ रेनिंग दे स्वैम इन द पूल। अगरचे बारिश हो रही थी वो पूल में तैर रहे थे। अगरचे के बारिश हो रही थी फिर भी वो पूल में, पूल मतलब तालाब में तैर रहे थे। तो दो ऐसा वर्ड है जिसने ने इन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ा है, उसका रब्त मुकम्मल किया है, उसके मीनिंग क्लियर किए हैं। सो दो इज एंड सो दो इज अ एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन। वी कैन मीट यू वेयर एवर यू वांट। द वर्ड वेयर एवर इज कंजंक्शन। वी कैन मीट यू हम तुमसे मिल सकते हैं वेयर एवर यू वांट जहाँ तुम चाहो। तो वेयर एवर का जो वर्ड है वो दोनों जुमलों के दरमियान एज ए कनेक्शन यूज हुआ है। सो इट इज़ कंजंक्शन। व्हाइल आई वॉज प्लेइंग विद द चिल्ड्रन वी गेम इन द पार्क। व्हाइल आई वॉज प्लेइंग विद द चिल्ड्रन जब मैं बच्चों के साथ खेल रहा था के खेलने के दौरान ही गेम इन द पार्क वो पार्क में आ गया। तो जो व्हाइल वर्ड है दौरान जिसका मतलब है ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। माइकल हैज़ वेरी मच मनी। माइकल के पास बहुत ज़्यादा मनी है। हाउएवर शी इज़ नॉट ऑल दैट हैप्पी। लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं है। हाउएवर ताहम ये इसके बावजूद इसका मतलब होता है। तो इन दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए द वर्ड हाउएवर यूज हुआ है जो कि एक कंजंक्शन है। शी यूजली ईट्स एट होम बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। वो आमतौर पर घर पर ही खाती है क्योंकि उसको कुकिंग पसंद है। तो क्योंकि द वर्ड क्योंकि बिकॉज इज एन इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन। यू विल गो टू दैट सिनेमा इवन इफ दे डू नॉट अलाउ यू। तुम सिनेमा जाओगे इवन इफ जहाँ तक कि तुम्हें अलाउ नहीं किया जाता तब भी तुम सिनेमा जाओगे। तो इवन इफ जो है वो कंजंक्शन की मिसाल है। शी वॉज टू लेट सो दैट शी कुड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब। उसे बहुत देर हो गई सो दैट इस वजह से शी कुड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब, वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती थी। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन। इवन दो इट रेन्ड अ लॉट, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, वी इंजॉयड द हॉलीडे और हमने छुट्टी का मज़ा लिया। इवन दोनों जुमलों के दरमियान एक रब्त कायम कर रहा है, उसको जोड़ रहा है, उनके मीनिंग्स को क्लियर कर रहा है, जुमले के मीनिंग्स को क्लियर कर रहा है। तो इवन दो इज़ अ कंजंक्शन। शी इज़ वेरी फनी वेयर एज ही इज़ बोरिंग। वो बहुत ज़्यादा खुश है बल्कि या दूसरी तरफ ही इज़ बोरिंग, वो बोरिंग है। तो वेयर एज जो है वो कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस स्लाइड में वो सारे वर्ड्स जो कि कलरफुल लिखे गए हैं वो सारे कंजंक्शन हैं क्योंकि वो मुख्तलिफ अल्फाजों या फ्रेजेस या मुख्तलिफ जुमलों को आपस में जोड़ रहे हैं और एक रब्त कायम कर रहे हैं जिसके ज़रिए हमें जुमले के मीनिंग आसानी से कन्वे हो जाते हैं। आई होप कि आपको इनकी मिसालों के ज़रिए कंजंक्शन का इस्तेमाल आ गया होगा।
कंजंक्शन की थ्री टाइप्स होते हैं। नंबर वन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर थ्री कोरिलेटिव कंजंक्शन। नंबर वन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दी कंजंक्शन जॉइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक। ऐसे कंजंक्शन जो कि दोनों इन डिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि दोनों जुमले के हिस्से अपने इट सेल्फ कम्प्लीट हों, वो जुमले के हिस्से जो जो दोनों अलग अलग जुमले हों, ठीक है, मतलब जुमलों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं, जो कंप्लीट जुमलों को, मीनिंगफुल जुमलों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। इनकी इसकी मिसाल एक हम आसान तरीन फार्मूला फैन बॉयज के ज़रिए याद रखेंगे। FANBOYS, F F for for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so, ठीक है। ये ऐसी मिसालें हैं, ये ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जिनको आसान तरीन फार्मूला फैन बॉयज के ज़रिए याद रखा जा सकता है, और ये सारे जॉइनिंग वर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। इसको हम मिसाल के ज़रिए ऐसे समझेंगे, ऑल द चिल्ड्रन वांटेड टू ईट पिज़्ज़ा बट नो वन वांटेड टू बाय इट। इसमें जो द वर्ड बट है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि दोनों इनडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि दोनों इट्स दोनों जुमले के हिस्से इट्स सेल्फ कम्प्लीट हैं। फॉर एग्जाम्पल जुमले का पहला हिस्सा ये है, ऑल द चिल्ड्रन वांटेड टू ईट पिज़्ज़ा, कि सारे बच्चे पिज़्ज़ा खाना चाहते थे, ठीक है। अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसको जिसका जवाब हमें जुमले के दूसरे हिस्से में मिले, ये इट्स सेल्फ इनडिपेंडेंट क्लास है, इट्स सेल्फ जुमला कम्प्लीट है। ऑल द चिल्ड्रन वांटेड टू ईट पिज़्ज़ा, कि सब चिल्ड्रन सारे बच्चे पिज़्ज़ा खाना चाहते थे, बट नो वन वांटेड टू बाय इट, लेकिन किसी ने भी इसे नहीं खरीदा। अब जो जुमले का दूसरा हिस्सा है, जैसे नो वन वांटेड टू बाय इट, ये भी इट्स सेल्फ कम्प्लीट है और इनडिपेंडेंट क्लास है। तो दोनों इनडिपेंडेंट क्लासेस जो कि एक दूसरे पर मुनहसर ना करें मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होते हैं, जैसे कि हमने बट का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो कि एक इनडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो। दीज कंजंक्शन जॉइन सेंटेंसेज वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। इट मीन के जुमले के ऐसे ऐसा ऐसे हिस्से जो कि पहला हिस्सा दूसरे हिस्से पर डिपेंड कर रहा हो, इस सिचुएशन में जो कंजंक्शन यूज होंगे उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पर आई एम स्टेइंग इन, मैं अंदर रहा या मैं अंदर रह रहा हूँ। इन इनसाइड मतलब इन मीन्स इनसाइड, आई एम स्टेइंग इनसाइड, मैं अंदर रह रहा हूँ। अब ये जुमले का जो हिस्सा है इसमें हमें ये नहीं पता कि अंदर क्यों रहा जा रहा है, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि जिसका आंसर हमें जानने के लिए जुमले का दूसरा हिस्सा पढ़ना पड़ेगा, जैसे बिकॉज इट इज़ स्नोइंग, बिकॉज इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, लाइक दिस, कोई भी वजह हो सकती है। इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि बिकॉज इसके अंदर मौजूद है, लगा हुआ है, जुमले को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये क्योंकि जुमले का पहला हिस्सा दूसरे हिस्से पर डिपेंड कर रहा है और इट सेल्फ कम्प्लीट नहीं है। आई एम स्टेइंग इन इनसाइड, मैं क्यों अंदर रह रहा हूँ, क्योंकि बाहर स्नो हो रही है, बाहर बर्फबारी हो रही है। इसलिए यहाँ पे जो वर्ड बिकॉज है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसकी मिसालें हमें साइड के सामने काफ़ी सी हमारे सामने मौजूद हैं, साइड पर लिखी हुई हैं, एज फॉर एज, एज इफ, एज लॉन्ग एज, एज सून एज, एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, वैन, वेयर, वेयर एवर। वैन को अगर हम जुमले में इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरह से हो सकता है, आई मीट देम, मैं उनसे मिला, ठीक है। अब देम, आई मीट देम, मैं उनसे मिला, ठीक है। अब कब मिला, किससे मिला, किस वक्त मिला, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जुमले के दूसरे हिस्से में मिलेगी। अब इस तो हमें जुमले का दूसरा हिस्सा भी पढ़ना पड़ेगा, इट मीन्स इट सेल्फ कम्प्लीट नहीं है, एक डिपेंडेंट और दूसरी इनडिपेंडेंट क्लास की सूरत में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होते हैं। आई मेट देम वैन वी वर इन पेरिस, ठीक है, जब हम पेरिस में थे तो मैं उनसे मिला। तो यहाँ पे जो वैन है वो
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। द थर्ड वन कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये कंजंक्शन हमेशा पेयर के फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, इन दो इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं, आइदर और, नॉट ओनली बट, नीदर नॉर बट बोथ एंड, वेदर और, जस्ट एज, सो, द, एज 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 मच एज, नो सूनर देन, रादर देन, दी, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ को रिलेटिव कंजंक्शन। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, को का मतलब होता है दो, यानी कि पेयर, पेयर फॉर्म में, ये पेयर फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी मिसालें कुछ ऐसे होंगी, आई विल आइदर ईट कैरेट और पीज फॉर डिनर, ठीक है, कि मैं कैरेट और पीज दोनों डिनर के लिए ले सकता हूँ या डिनर में खा सकता हूँ, ठीक है। आइदर और, पहले को हमने ने आइदर और को रिलेटिव कंजंक्शन को जुमले में इस्तेमाल कर लिया। दोबारा से, आई विल आइदर ईट कैरेट और पीज फॉर डिनर, ठीक है, मैं डिनर में, रात के खाने में या तो कैरेट या फिर पीज लूँगा, कैरेट मतलब गाजर या फिर मटर, मटर लूँगा। नेक्स्ट, एज मच एज को अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें तो ऐसे करेंगे, ही वॉन्टेड टू ईट मैंगोज एज मच एज ही कुड, वो इतने उसने इतने वो इतने मैंगो खाना मैंगोज खाना चाहता था जितने वो खा सकता था। तो एज मच एज, ठीक है, एज मच और एज, ये दोनों पेयर फॉर्म में कोरिलेटिव कंजंक्शन जुमले में इस्तेमाल किए गए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।